हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आज संडे है, तो आज दोपहर में ही खाना बनना था। तो आज मैंने बनाई है भरवा बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल मसाले वाली होती है वो, और उसके साथ बनाई है मैंने गर्मा गर्म रोटी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:30 और मेरे पतिदेव का आने का समय हो गया है दोपहर में। वो इसी समय आते हैं संडे को, और फिर संडे के बाद उनकी रहती है छुट्टी। तो आज अब बहुत सारी मस्ती करने वाले इस ब्लॉग में। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करना, और डेली डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बैंगन को फटाफट से मैंने चीर, मतलब काट पीट के छौंक दिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि घर की थोड़ी क्लीनिंग करी थी उसमें थोड़ा लेट हो गया था। और फिर उसके बाद हमने जल्दी से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी, और रोटियां बनाने के बाद फिर मेरे पतिदेव आ गए थे। तो ये देख लीजिए, मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो आज हमने कल जो रात को चावल बनाए थे वो बचे थे, उनको गर्म कर लिया था। और आज की जो सब्ज़ी बनाई थी बैगन, भरमा बैगन वो है, और थोड़ी सी गाठिया, यानी कि जो बेसन की गाठिया होती है वो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं लेकर आई थी। और वो अपने फ़ोन में लगे पड़े थे और मेरा फ़ोन भी मेरे पास था। मैं भी सोच रही थी मैं भी कुछ देखते देखते खाना खाऊंगी, क्योंकि दोपहर में तो टीवी पे कुछ आता है नहीं देखने लायक, तो इसलिए मैं फ़ोन में ही आप लोगों की वीडियो देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कि कल जब मैं आगे से वीडियो बनाऊँ तो उसमें क्या अच्छा सा, मतलब क्या दिखाऊँ आप लोगों को, बस वही मैं इसी उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। थोड़ा बहुत कुछ कटोरी बटोरी मंगा रहे थे, दही लिया था हमने, इसलिए फिर खाना खा पी के और फिर हम करेंगे घंटे के लिए आराम। तो आज का खाना बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भरवा बैंगन, और मेरे पति देव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है ज़रूर बताना फटाफट से, ठीक है? तो चलिए हम खाते हैं खाना, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना खाने के बाद हमने करीब आधे घंटा एक घंटा आराम किया था। उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए किचन में। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, जब मैं उनके पास खड़ी होकर देखने के लिए गई कि कर क्या रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ कि आखिर मेरे पतिदेव कर क्या रहे हैं। तो वो बना रहे थे तरबूज का शरबत, जो कि मैंने फ़ोन में देखा था कि दिल्ली में एक शरबत मिलता है बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है शरबत मोहब्बत, और एक होता है शरबत नफ़रत। तो दो तरह के शरबत होते हैं। तो मैंने कहा इसको, मुझे तो नहीं पता था लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, बोल रहे थे कि घर पे तरबूज रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको पीस के दूध में लाकर अच्छे से हम बनाते शरबत मोहब्बत। मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ, कुछ तो बनाओ, आज तक आपने कुछ भी नहीं बनाया, मुझे कुछ भी नहीं खिलाया अपने हाथों से, मतलब पहले बनाते थे लेकिन बहुत दिन हो गए तब से उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तो मुझे पता चल गया, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए आ गई, जैसे कि फ्रिज में से उनको बर्फ़ निकाल के दी, दूध निकाल के दिया, और लास्ट में हमने तरबूज के छोटे छोटे से टुकड़े करके उसमें डाल दिए ना, तो और ज़्यादा यम्मी लगने लगा। तो फिर वो ब्लेंड करने लगे दूध डालकर, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने लिए बिना चीनी का निकाला था, मैंने अपने में डाली चीनी। क्योंकि उन्होंने मुझे टेस्ट कराया था, बोला था कि ये तो वैसे ही मीठा हो गया होगा, क्योंकि तरबूज बहुत मीठा था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ही टेस्ट कराया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फीका फीका लग रहा था, और जब ठंडा हो जाता ना तो और ज़्यादा फीका लगने लगता है। उसके बाद मैंने तो अपने में एक चम्मच चीनी डाली, और उसके बाद मैं पी गई उसको फटाफट से। तो आप लोग भी पी लीजिए। और उसके बाद शाम के समय मेरे पतिदेव ने बोला कि मैंने तुझे शरबत पिलाया तो मुझे चाय पिला। तो मैं फटाफट से चाय बना रही थी, अभी बज रहे थे करीबन, कितने पता आप लोगों को, अभी बज रहे थे 6, और मैंने मेरे पतिदेव से बोला कि बहुत दिन हो गए आप मुझे शॉपिंग कराने के लिए नहीं ले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि चाय बना, फिर उसके बाद हम मूड फ्रेश, मतलब चाय पी के फ्रेश होके फिर हम चलते हैं घूमने के लिए और तुझे थोड़ी सी शॉपिंग कराने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके लिए दी थी बिना चीनी की, मतलब चाय, और अपने लिए चीनी ऐड करके मैं रख गई थी यहाँ पर, और पतिदेव को चाय देकर आई। तो हम पीते हैं चाय, और आज मैंने कुछ नया बनाया है तो आप लोगों को दिखाती हूँ आखिर क्या। दोस्तों हमने बनाई थी टूटी फ्रूटी, ये देखो ये सूख रही है, सूख जाएगी तो बताएंगे कैसी बनी, सही बनी क्या नहीं बनी है। ये देखो
ये तो है खरबूजे के बीज, इनको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। इसको हम खाया करेंगे, बहुत फायदेमंद रहते हैं ये खरबूजे के बीज, में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वोटीन रहती है, इनको खाना चाहिए। इनको सुखाकर एक डब्बे में भर के रख लेंगे। और ये हमारी टूटी फ्रूटी, इसको मैंने आज बनाया है और देखते हैं सही बनती है कि नहीं बनती है। दोनों को हवा में सूखने के लिए रख दिया है मैंने। और ये है मेरी चाय, मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट। और फिर हम गए थे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैं क्या क्या शॉपिंग करने के लिए मतलब करके लेकर आई। और उसके बाद फटाफट से मैं लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे दो डिशेस बनानी थी अलग अलग। मैंने कहा पालक रखी है, देखो इतनी महंगी पालक आती है गर्मियों में, अगर उसको एक दो दिन एक्स्ट्रा रखते तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने मेरे पतिदेव से बोला कि मुझे पालक पनीर खाना है, तो बोलते मुझे पालक पनीर पसंद नहीं है, मेरे लिए पतली पालक बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पतली पालक बना दूंगी और मेरे लिए पालक पनीर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करना, ऐसा ही करना। तो मैं लग गई हूँ फटाफट से काम में। तो मैं भी लग गई फटाफट से अपने काम में। मैंने पहले पालक को अच्छे से धोया, फिर कट किया, और ये बना रहे हैं पतली पालक, यानी कि मेरे पति का फेवरेट, और साइड में बन रहा है मेरा फेवरेट पनीर पालक। तो चलिए फटाफट से बना देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जब बाहर से कहीं से घूम फिर के आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। फिर भी मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि आज मेरे पति देव ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, तो उसके लिए उनके फेवरेट खाना बनाना तो बनता है। तो ये देख लीजिए, पालक को पीस लिया है मैंने, और पनीर भी मैंने घर पर ही बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दूध आया था ना, दूध थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने कहा उसको फेंकने से अच्छा है कि उसका पनीर बना लिया जाए। तो हल्का हल्का जब मैंने उसको गर्म किया तो वो फट गया था, उसमें मैंने फिर एक ढक्कन विनेगर डालकर पूरा अच्छे से फट गया, फिर उसके बाद हमने पनीर बना दिया। ये देख लीजिए बिल्कुल मार्केट के जैसा पनीर बन गया है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि फट गए, फटे हुए दूध से बना हुआ है, और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही आ रहा था। तो ये देख लीजिए, वैसे नॉर्मल सब लोग जब पनीर सॉरी ऐसी पालक की सब्ज़ी बनाते हैं ना, पतली पालक की सब्ज़ी, तो उसमें छौंक नहीं लगाते प्याज टमाटर लहसुन का। अगर आप छौंक लगाओगे ना इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छी एकदम इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, जो कि जो पालक नहीं खाता वो भी पालक खाना स्टार्ट कर देगा। तो पालक की सब्ज़ी में छौंक लग चुका था, उसके बाद बारी थी पालक पनीर बनाने की। तो पनीर को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, बहुत लोग नहीं करते हैं, और उसके बाद हमने उसको हल्के पानी में थोड़ा डाल दिया जिससे कि वो फूल जाएगा अच्छे से। उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल था, उसमें जीरा हींग प्याज डाल दी है, और उसके बाद हमने टमाटर और काजू का पेस्ट पीस के रखा था तो उसको डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, नमक कमक, डेली के मसाले यूज़ करे हैं, कोई हमने गर्म मसाला यूज़ नहीं किया, जैसे हल्दी मिर्ची नमक धनिया यही यूज़ किया है। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है पालक, पालक थोड़ा ही था, मुझे अपने लिए बनाना तो काफ़ी था। उसमें अब हम ऐड कर देंगे पालक जो पनीर के टुकड़े हैं वो, और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे क्रीम, जो कि अभी हमने दूध गर्म किया था तो उसमें थोड़ी सी मलाई जम गई थी ऊपर, तो उसी में से मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। कहते हैं कि पालक पनीर में क्रीम डालते हैं इसलिए, तो चलिए। और ऊपर से हम इस पर ग्रेट कर देंगे थोड़ा सा पनीर, मैंने बचा लिया था वो। चलिए फ्रेंड, मेरी सब्जी दोनों बन गई हैं और अब बारी है रोटी की। तो मैं रोटी भी फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी बच रहे हैं 10, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। तो मैं फटाफट से कुछ भी ना आओ देख रही ना ताओ देख रही, बस अपना खाना बनाने में लगी पड़ी हूँ। और उधर मेरे पतिदेव चला रहे हैं फ़ोन, लेटे लेटे खाना का वेट कर रहे हैं कि कब बनेगा, तो उसी में मैं भी लगी हूँ। और एक बात आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, एक बात है जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक पल में उसे अनकरा कर देता है, इसलिए किसी के लिए कुछ भी ना करो, जो भी करो अपने लिए करो। अगर किसी के लिए हम कुछ करते हैं और बाद में वो अनकरा करता है तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो रोटी बन चुकी है, तो फटाफट से हम इसको सेक कर और चिपर के रख देंगे, घी से घी लगा के रख देंगे, वरना ठंडी हो जाती हैं तो फिर अच्छे से घी नहीं लग पाता। तो चलिए दो रोटी और बची, इनको भी फटाफट से मैं घी लगा देती हूँ। घी थोड़ा थिक था इसलिए मुझे चम्मच से निकालना पड़ा,
और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ पड़ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे इस समय गर्मी ना पड़ रही हो। तो चलिए, अच्छे से वो रोटी पे घी लगा के रख दी है मैंने, और अब मैं फटाफट से खाना परोस लूँगी। मुझे थोड़ा सा काम और है, पहले मैं उसको निपटा लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठूँगी। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो फिर कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन को एकदम क्लीन। मेरे साथ बहुत लोगों ने गलत किया है, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ कि वो जैसे को तैसा ज़रूर करेंगे, और जिसने गलतियाँ की हैं उसका परिणाम उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो दूसरों से क्या, देखो दूसरे जब कुछ करते हैं तो हमको इतना बुरा नहीं लगता जब कोई अपना करता है ना। और सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पति के लिए लगता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके रिश्ते, वो उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, करने का तो छोड़ो सोचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग उनके साथ ऐसा करते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैंने सब कुछ भगवान पर, माता रानी पे छोड़ रखा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, चाहे कोई भी बना रहे। दिल तो मेरा भी बहुत लोगों ने दुखाया है, उसका परिणाम सब लोग भुगतने के लिए तैयार रहें। और ये देख लीजिए, ये है बर्तन धोने का डिश वॉश, जो कि बड़ी वाली बॉटल थी, तो उसमें से मैं छोटी बॉटल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बॉटल को बार बार निकालो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो किचन हो गई थी क्लीन, स्लिप भी हो गई है किचन क्लीन, और यहाँ से थोड़ी सी बर्तन थी उसको मैंने धो लिया है। और उसको धोने के बाद पानी पीने वाला जो नल है वो चल रहा था, पीने वाला पानी चल रहा था, तो मैंने कहा देखो सुबह का काम मैं अभी से करके रख देती हूँ। तो ये है, इसमें पानी भर के रखती हूँ, मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, माँज लूँगी और इसको भर के रखेंगे, सुबह का हेडेक खत्म हो जाएगी। इसलिए तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से मैं धो के भर देती हूँ। ये तो डेली का जो ऊपर से टंकी से नल आता है वो है, इससे मैं धो रही हूँ, और जो बगल में नल है वो आता है डायरेक्टली नीचे, मतलब जो पाइप से डायरेक्टली जहाँ से पानी आता है ना वहाँ का नल। तो फटाफट से भर के रख देती हूँ मैं। और उसके बाद मेरे पतिदेव को लग रही है भूख, तो मैंने कहा बस 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट में सारा काम फिनिश करके फटाफट से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तो बोल रहे थे ठीक है, आज जल्दी भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैंने कहा ठीक है, तो इसको भरने देते हैं और फिर चलते हैं। इसको मैं यहाँ से उठा के रख देती हूँ, और इसकी जो प्लेट है उसको भी धो के रख देती हूँ। और उसके बाद मेरा किचन का सारा काम निपट चुका था, बस खाने वाले बर्तन थे जो खाना खाएंगे, बस एक थाली वही थी, और कढ़ाई बढ़ाई मैंने जितने भी बर्तन थे सारे धो के रख दिए हैं। सब्जी भी मैंने छोटे छोटे बर्तनों में करके रख दी, जिससे कि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये है जिसको मैं पानी भर के रखती हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा जो पीने वाले पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इस बर्तन का पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऊपर ही रखा होता है ये। और जो बड़ी तमेड़ी भी भर के रखी थी वो तो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसका मैं तब यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए भर के रखती हूँ। वो छोटा वाला आपको डिब्बा रख दिख रहा है ना, उसको मैं भर के रखूँगी फ्रीजर में बर्फ़ जमाने के लिए। क्योंकि क्या हुआ था कि कभी कभी बर्फ़ मांगने के लिए भी कोई आ जाता है, या फिर हम लोगों को भी जगह बर्फ़ की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, इसलिए। तो चलिए इसको भर के रखते हैं फ्रिज में। और यहाँ पर सारा क्लीन हो चुका था अच्छे से, जो दीवार है वहाँ पर भी थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं, इनको अच्छे से बेसिन को क्लीन कर देती हूँ मैं। तो बस ये कपड़ा वपड़ा सब धो धा के यहाँ का सारा निपट चुका है, अब थोड़ा सा काम और बाकी। अब सोच रहे हो आप लोग क्या काम बाकी है, तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या काम बाकी है मेरा थोड़ा सा। ये है मेरे किचन का लास्ट काम, तो मैं यहाँ से अच्छे से पोंछा पोंछा लगा देती हूँ, और उसके बाद ही मैं खाना खाने के लिए जाऊँगी। क्योंकि यहाँ का सारा काम निपट चुका होता है ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस अभी फ्री होकर बस खाना खा के बस आराम से सो जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो भी मैं शॉपिंग करके लाई थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि बस वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दिया करो, और न्यू आ गए हो कहीं से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। आप लोग ऐसे चले जाते हो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना।
इतना सारा काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा चलो एक गिलास पीते हैं ठंडा पानी और उसके बाद बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा नहीं लगा क्या कमी लगती है वो भी आप लोग सब कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सुधार कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब खाना परोसते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। चलिए फटाफट से खाना परोस लेते हैं। तो फ्रेंड ये है मेरी फेवरेट पालक के मतलब पालक पनीर की सब्जी, जो कि मैंने पहली बार बनाई थी, कभी नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करी थी। आज मैंने पहली बार बनाई, सच्ची बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और बनाने बनाने का स्टाइल भी होता है। और ये मेरे पति देव के लिए बनाई है मैंने पतली पालक की सब्जी, तो उनके लिए परोस लेती हूँ। उनको पहले पालक इस तरीके की पसंद नहीं थी, लेकिन मैं इस तरीके से छौंक के बनाती हूँ ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देख लीजिए, खीरा मैंने कट कर लिया है सैलेड में, और उसके बाद मैं रोटियां ले लेती हूँ परोसने के लिए। और ये देख लीजिए, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो हमारा खाना हो चुका है तैयार,